संदेश के विश्वासी अविश्वासी से विवाह कर सकते हैं और समान जुए में जुत सकते हैं। अब हम उस असमान जुए वाले कुबंध पर आते हैं जिसकी संदेश के विश्वासियों को परमेश्वर के भवन में इजाजत दी जा चुकी है। उन्होंने स्त्रियों को अनुमति दी, उन्होंने पुरुषों को अनुमति दी कि वे बाहर संसार में जा सकते हैं और उद्धार न पाई हुई स्त्रियों को पकड़ सकते हैं और उद्धार न पाए हुए लड़कों को पकड़ सकते हैं, परमेश्वर के भवन में वापस आ सकते हैं और वे दोनों विवाह कर सकते हैं। यह बात वचन के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे इजाजत देने वाले प्रचारक, आप एक पापी प्रचारक हैं। जब आप किसी उस लड़की या लड़के को लेते हैं जिसने उद्धार पाया हुआ नहीं, और आप एक मसीह लड़की या लड़के को लेते हैं और उनकी आपस में शादी कर देते हैं, आप एक ढोंगी पाखंडी हैं। जी हाँ, यह तो एक असमान जुआ है। आपको इसके लिए परमेश्वर के सम्मुख जवाब देना होगा। और ऐसा काम परमेश्वर के भवन में डिकनों के बच्चे, सेवकगणों के बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। भविष्यवक्ता ने इसकी भर्सना की थी, जब भी आप एक सेवक के रूप में किसी अभक्त पुरुष और एक मसीह नारी के लिए या अभक्त नारी और मसीह पुरुष के लिए उनका विवाह करा के उन्हें आशीर्वाद देते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन का ही उल्लंघन करते हैं। यह एक असमान जुआ है और हम इस पर परमेश्वर के भविष्यवक्ता के ही वचनों को सुनना चाहते हैं। प्रचार को यह ऐसी बात है जिसे आप भविष्यवक्ता की पुस्तकों में पढ़ सकते हैं और तुम इसी बात को टेपों पर सुन सकते हो, और फिर भी तुम उस प्रकार से इसके लिए मंजूरी देना और परमेश्वर के वचन पर समझौता करना जारी रखते हो। जबकि पहले कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 14 से लेकर 18 तक ठीक पवित्र शास्त्र में तुम्हें यह बताने के लिए विद्यमान है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। जी हाँ, परमेश्वर का वचन भी इसकी भर्सना करता है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ कि आपको एक पति के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ कि आपको एक पत्नी के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है। और वह कारण जो कुछ स्त्रियां एक लंबे अरसे तक पति के लिए इंतजार करती हैं, वह यह है कि उन्हें तो कोई फिल्मी कलाकार चाहिए होता है। जी हाँ, उन्हें कोई ऐसा नवयुवक नहीं चाहिए जो मेहनत मशक्कत करता हो। उन्हें तो खूबसूरत सा दिखाई देने वाला पुरुष चाहिए होता है। और बिल्कुल ठीक ऐसा ही मामला पुरुषों के बारे में भी है। वे पत्नी के लिए एक लंबे अरसे तक इंतजार करते हैं, क्योंकि वे तो कोई ऐसी लड़की ढूंढ रहे होते हैं जो फिल्मी अभिनेत्री सी लगती हो। तुम ढोंगी पाखंडी जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, वह तुम्हें मिल जाएगा। जी हाँ, यह वह घड़ी नहीं है कि सुंदरता के पीछे भागा जाए। यह वह समय नहीं है कि ढूंढा जाए कि समाज क्या चाहता है। आपको तो परमेश्वर की ही मर्जी मालूम करनी चाहिए। ऐसे तो तुम्हें कोई ऐसा युवक मिल जाएगा जो बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ है। ऐसा करना तो एक ढोंगबाजी ही होगी। यह तो ढोंगबाजी ही है कि एक युवती इतनी नीचे गिर जाती है कि वह विवाह के संबंध में इतनी गिर जाती है कि वह अभक्त पुरुष की लालसा करती है कि उससे विवाह कर ले, और फिर उन जैसे लोगों को परमेश्वर के भवन में लेकर भी आती है कि वे बपतिस्मा ले लें। जबकि आप कुमारी गमन में जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि आप व्यभिचार में जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि आप कुत्ते के जैसे जीवन व्यतीत करते हैं, तुम सड़क पर उस स्त्री के चारों ओर दुम हिलाते फिरते हो और कोई भी यह नहीं जानता है कि कलीसिया में उस स्त्री का मामला कैसा है, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर के भवन में कुछ पानी के लिए
इंतजार कर रही होती है कि वे उसे बपतिस्मा दे डाले। आप कहते होंगे, भाई मैं महसूस करता हूँ कि आप इस मामले में कुछ ज्यादा ही निष्ठुर हो गए हैं। तुम पाखंडी, मैं तो तुम्हारा जीवन बचाने का ही प्रयास कर रहा हूँ। तुम तो काम वासना से भरे हुए हो और तुम्हारी काम वासना तुम्हें अपने कब्जे में लेती चली जा रही है। तुम्हें तो इस बात की जरूरत है कि तुम अपने घुटनों पर आ जाओ और प्रार्थना और उपवास करो और कहो, हे परमेश्वर, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस इच्छा पर जय पा सकूं। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस काम वासना पर जय पा सकूं। आप किसी लड़के की या किसी लड़की की सुंदरता की खातिर, धन दौलत की खातिर, घर मकान की खातिर और जमीन जायदाद की खातिर तलाश न करें। आपको तो परमेश्वर की मर्जी ही तलाशनी चाहिए। जी हाँ, आप किसी खास किस्म की लड़की के लिए उम्मीद पाल कर न बैठे और फिर यहाँ वहाँ उस जैसी लड़की की तलाश न करते फिरे। आप किसी खास किस्म के लड़के के लिए उम्मीद पाल कर न बैठी रहे और फिर यहाँ वहाँ उस जैसे लड़के की तलाश न करती फिरे। आप तो एक फूहड़ उल्टा स्त्री ही है। जी हाँ श्रीमान, आपको तो परमेश्वर की मर्जी के लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए। पापियों और विश्वासियों के आपस में विवाह करने से बिल्कुल भी कोई भला नहीं होता है। संदेश का नाम है अपने को अविश्वास से अलग कर लो, 28/2/1955। प्यारा नंबर 16। लड़के, जो मैं तुम्हें आज रात बता रहा हूँ तुम जानते हो, और तुम जो युवा महिलाएं हो, तुम्हें इस बात में सावधान रहना चाहिए कि तुम किससे विवाह कर रही हो। अगर पापी और मसीही आपस में शादी ब्याह कर भी ले तो सबसे पहली बात आप जानते हैं, इससे उनका कोई भला नहीं होता है और आपको एक टूटा हुआ घर परिवार ही मिलता है। आपस में असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि ऐसा करके आहाब को यही मिला था। जी हाँ, वह एक खूबसूरत सुंदरी थी। वह अपने चेहरे पर रंगों की लीपापोती करती थी। वह छिपकली के जैसे अपने नयन निकाला करती थी। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह को छोड़कर जो बाइबल में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ था, वह खूबसूरत औरतों के एक झुंड के कारण ही एक बुतपरस्त मूर्ति पूजक के रूप में मरा था। वह व्यक्ति सुलेमान था। इसने उसे परमेश्वर से दूर कर दिया था। तुम खुद अपने को असमान जुए में ना जोतो। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो प्रचार मंच पर आते हैं और चंगे होते हैं और बाहर जाकर अविश्वासियों के संग मिलजुल जाते हैं और उनकी बीमारियां उनके पास फिर से वापस आ जाती हैं। किसी भी विश्वासी को एक अविश्वासी से कदापि विवाह नहीं करना चाहिए। संदेश का नाम है परमेश्वर के प्रति आश्वस्त होना, 5/12/1959, प्यारा 5। और फिर उसने अपने विवाह के मामले में भी ऐसा ही किया था। वह अपने लोगों में विवाह करने के बजाय दूसरे लोगों में गया और उसने एक पापीन और मूर्ति पूजक मूर्तियों की पूजा करने वाली से विवाह किया। उसने इजाबेल से विवाह किया और वह विश्वासी नहीं थी। और किसी भी विश्वासी को किसी भी परिस्थिति में किसी भी अविश्वासी से कदापि विवाह नहीं करना चाहिए। विश्वासियों को तो हमेशा ही विश्वासियों से ही विवाह करना चाहिए। क्या यह मैं हूँ जो इस मामले में इतना निष्ठुर हो रहा हूँ, या क्या ये भविष्यवक्ता के शब्द हैं? क्या बाइबल भी ऐसा ही नहीं बताती है? क्या पौलुस ठीक इस बात के लिए खड़ा नहीं हुआ था? जी हाँ श्रीमान, पवित्रता वरना अधोलोक। अब्राहम अपने बेटे का विवाह अविश्वासी से नहीं कराना चाहता था। फैसले की घड़ी 11/6/1959, प्यारा नंबर 13। अब्राहम इस बात में दृढ़ संकल्पित था कि वह अपने बेटे का विवाह अविश्वासी से नहीं करना चाहता था। आज मसीहों के लिए
ऐसा फैसला लेना अच्छा होगा। जो अब्राहम के बेटे और बेटियां हैं उनके लिए अपनी औलादों के संबंध में ठीक वैसा ही फैसला लेना बहुत अच्छी बात है। अब अब्राहम पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे अविश्वासी लड़कियां कितनी सुंदर थी और वे कितनी भली नारियां थी, मगर अब्राहम यह नहीं चाहता था कि उसके बेटे का संबंध उस किस्म के लोगों से हो। भाइयों और बहनों, अब्राहम अपने बेटे का विवाह अविश्वासी से नहीं करना चाहता था क्योंकि वो परमेश्वर का एक मित्र था। जी हाँ, और ऐसे भी लोग हैं जो दावा करते हैं कि वे संदेश से संबंध है, लेकिन जब उनके लड़के या लड़की को परमेश्वर के भवन में थोड़ी बहुत देर में जीवन साथी नहीं मिल पाता है तो वे चुपके से किसी अविश्वासी उद्धार न पाए हुए के पास चले जाते हैं और उसे बहलाने फुसलाने लग जाते हैं और उसके घर के चक्कर काटने में लग जाते हैं। जी हाँ, इसके बाद वे उन्हें लेकर आने के लिए और बपतिस्मा दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं ताकि वे उस पुरुष को अपनी लड़की के लिए हासिल कर सके या अपने बेटे के लिए उस नारी को हासिल कर सके। तुम तो एक ढोंगी पाखंडी हो। जी हाँ श्रीमान, आप अब्राहम के पुत्र के जैसे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तुम जो बाप हो, आपको उस शैतान को अपने से दूर भगा देना चाहिए। आप जो माँ है, आपको उस शैतान को अपने से दूर भगा देना चाहिए। आप कहते हैं पास्टर, आप इसका कहाँ पर प्रचार करते हैं? ठीक यही पर। यही कारण है कि यह मंडली इतनी सुधरी हुई है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग अविश्वासियों से अलग रहें। संदेश का नाम है अंत समय का प्रचार कार्य 3/6/1962, प्यारा नंबर 138। परमेश्वर चाहता है उसके लोग अविश्वास और अविश्वासी से अलग हो जाएं। इस मामले में आप में से बहुतेरे लोग एक गलती करते हैं। वे इस पर गलती करते हैं, कभी कभी आप अपने बच्चों को बाहर छोटे ऑस्वाल्ड के साथ खेलने देते हैं, समझे? परंतु आप अनुमति दे देते हैं। आपको सुनिश्चित होना चाहिए कि आपकी बेटी रात के समय किसके साथ बाहर जाती है, देखा, समझे? हो सकता है कि आपने उसकी कलीसिया के इर्द गिर्द ही एक भक्त लड़की के रूप में परवरिश की हो और पहली बात आप जानते हैं कि वह ऑस्वाल्ड या उनमें से किसी के साथ जाती है और वह लड़का एक नास्तिक अविश्वासी है और आपकी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और आप नहीं जानते हैं कि वह लड़का क्या है, समझे आप? उसके बाद वह उससे विवाह कर लेगा और देखिए तब आपके बच्चे आपके नाते नाती कहाँ पर है, समझे आप? आप सावधान रहे, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग अलग हो। जब वह एक पत्नी का चुनाव करता है तो ये यही दिखाता है कि उसके भीतर क्या है। संदेश का नाम है एक दुल्हन का चुना जाना 29/4/1965, प्यारा नंबर 10-2। अंततः आपको अवश्य ही सही चुनाव करना चाहिए। फिर एक मनुष्य जिस प्रकार की महिला को अपनी पत्नी के लिए चुनेगा उससे उस मनुष्य की इच्छाएं व चरित्र प्रकट होते हैं। यदि एक मनुष्य गलत किस्म की स्त्री को चुनता है तो वह उसके चरित्र को उजागर करता है और जब वह अपने को उसके साथ विवाह के बंधन में बांधता है तो यह निश्चित रूप से यही दिखाता है कि उसके भीतर क्या है। एक स्त्री स्वयं ही यह बताती है कि उसको पत्नी के रूप में चुनने वाला व्यक्ति कैसा है। उसी से मालूम हो जाता है कि वह मनुष्य भीतर से क्या है। इससे कुछ मतलब नहीं है कि वह बाहर से क्या कहता है, बस आप यह देखें कि उसने विवाह किससे किया है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में चुनता है उससे उसका वह चरित्र उजागर हो जाता है कि उसके भीतर क्या है। जी हाँ, और जब आप जाकर संसार में से किसी ऐसी स्त्री को अपनी पत्नी होने के लिए चुनते हैं जो कि एक वेश्या है,
जो कि एक अभक्त अधर्मी स्त्री है, ऐसी स्त्री है जो दुनियादारी में अपना जीवन बिता रही है और हो सकता है कि वह 10 पुरुषों के साथ व्यभिचार भी कर चुकी हो और आप जाकर उसे अपनी पत्नी के रूप में हासिल करना चाहते हैं और उसे इसके लिए बपतिस्मा दिलवाने भी ले आते हैं। आप तो पूरी तरह से एक ढोंगी पाखंडी है। ये यही दिखाता है कि आपके भीतर कुछ भी नहीं है। ये तो यही दिखाता है कि इस मामले में ढोंग किया जा रहा है और आपके भीतर एक सर्प ही है। आपने नए सिरे से जन्म नहीं पाया है। आपका चरित्र तो अश्लील और वाहियात है। आपकी भूख तो गिद्ध के जैसी ही है और जो कूड़े के ढेर पर जाकर उसमें से कुछ भी उठा लेता है और फिर आप उसी को परमेश्वर के भवन में भी लेकर आ जाते हो और उसे कुछ पानी में डाल देते हो और फिर उसी का सेवन कर लेते हो। आप तो एक गिद्ध ही है। आप तो असमान जुए में जीते हुए हैं। अगर वह उस प्रकार की स्त्री से विवाह करता है तो वह परमेश्वर के अनुग्रह से गिर चुका है। संदेश का नाम है एक दुल्हन का चुना जाना 29/4/1965 प्यारा 25-4। परंतु उसका आत्मिक चरित्र उस पारिवारिक दुल्हन से कोसों दूर है जिसे लेने के लिए मसीह आ रहा है। अगर कोई मसीहजन उस प्रकार की स्त्री से विवाह करता है तो ये यही दिखाता है कि वह परमेश्वर के अनुग्रह से गिर चुका है। जब वह इस तरह की स्त्री को चुनता है तो परमेश्वर के प्रति और अपने होने वाले घर के प्रति उसकी पसंद यानी कि उसका घर परिवार कैसा होना चाहिए बहुत दूर चली जाती है। जी नहीं श्रीमान, यकीनन वैसी लड़की मसीह पसंद में जन्म नहीं पाएगी। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूँ कि कोई मसीही जन अभक्त अधर्मी पुरुष या स्त्री से विवाह करें, और ऐसा बाहर संदेश के मानने वालों में भी हो रहा है। वे बाहर जाते हैं और दुनिया में से अपने लिए अपना जीवन साथी चुनते हैं और वे उसे अपने साथ लेकर आते हैं और पास्टर उन्हें आशीर्वाद देता है। जी हाँ, ओ परमेश्वर, मैं रेडियो पर खबरें सुन रहा हूँ और एक बच्चा भूख से मर रहा था और एक स्त्री अपने बच्चे के साथ भूख से बिलख कर रो रही थी और एक पुरुष भूख के मारे तड़प रहा था। लड़के, इसे तो आपके हृदय को चीर कर रख देना चाहिए। इस दोपहर बाद आप उन कुछ चिट्ठियों को सुनने जा रहे हैं जिनमें लोग मुझे अपनी भूख और भूख से तड़प कर मरने की दर्द भरी दास्तां लिख रहे हैं। 4 या 5 प्रांतों में 1 करोड़ लोग भूख से बेहाल है। एक भाई ने मुझे लिखा था, उसने कहा था गांव में 34 लोग भूख से मर गए हैं। उसने कहा था हे परमेश्वर भाई, मेरे लिए कुछ पैसे भेज दीजिए, मैं कुछ मक्का खरीदना चाहता हूँ। जी हाँ भाई, मैंने उसके पास कुछ पैसे भेज दिए लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि उसके पास वे पहुँच भी पाएंगे या नहीं। अकाल पीड़ित क्षेत्र में वे हर एक चिट्ठी को फाड़ कर देखते हैं। जी हाँ, वे उनमें से हर एक कौड़ी को ले लेना चाहते हैं। उसने कहा था भाई, केवल 10 लोग ही गिरजे आए, उनमें से बाकी भूखे हैं और वे भूख के मारे अपने घर में तड़प रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने भोजन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं भाइयों को बता रहा था कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी को भूख से मरते हुए नहीं देखा है। हम ऐसे लोग हैं जो खुश हैं और मुझे शक है कि आप में से किसी ने ऐसा देखा हो। मैंने अपने जीवन में एक ही ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो भूख को मर रहा था। वो टुकराया हुआ था, वो एक बूढ़ा इंसान था और मैं और मेरा एक मित्र उसके पास गए और हमने उसे भोजन दिया और उस बुजुर्ग में कई दिनों के बाद जी में जी आया। भाइयों, आप नहीं जानते हैं, भाइयों आप नहीं जानते हैं कि तड़प क्या होती है। ओ लड़के, वह बच्चा रोता है और माँ बिलखती है और आप भोजन के लिए
उस रोने और बिलखने के पीछे कई और आवाजें सुनते हैं। 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें रोटी की बहुत ही जरूरत है और वे रोटी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और आपके पास 3,000 रुपए की ड्रेस खरीदने के लिए पैसे हैं। तुम तो हर साल एक नया फ्रिज चाहते हो। तुम तो इस संसार के लिए ही जी रहे हो। जब यह बाहर जाती है तो ऐसे प्रचारक बेनकाब हो जाएंगे। हम हर तरह से इस अनैतिक आत्मा के खिलाफ हैं। और मुझे निराशा होगी अगर यहाँ अंदर कोई ऐसा शख्स है जिस पर इस सुबह यह प्रचार बिल्कुल फिट बैठ रहा है, जो अपने सिर को टेलीविजन में इंटरनेट में घुसाए रहता है और उस वीडियो पर अपना समय बर्बाद किए जा रहा है और प्रार्थना करने में दिलचस्पी खो रहा है, वचन में दिलचस्पी खो रहा है और उन लोगों से दोस्ती गांठ रहा है जिन्होंने उद्धार पाया हुआ नहीं है। वो कोई भी शख्स जो उन बातों का कसूरवार है जिनका मैंने प्रचार किया है, तो वह शख्स एक तोहीन है। भाइयों, यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इन बातों का कसूरवार हो, क्योंकि मैं उन बातों का तब से प्रचार कर रहा हूँ जब आप बच्चे ही थे। आप में से कुछ तो माँ और दादी माँ बन गई और आपके पास कोई बहाना नहीं है। सुसमाचार के एक प्रचारक के रूप में मैं इन बातों का पिछले 35 वर्षों से ऐलान करता चला जा रहा हूँ और मैंने पवित्रता का प्रचार किया इससे पहले कि मैं भाई ब्रहणम को कभी जानता भी, इससे पहले कि मैं संदेश को जानता भी। मेरे पास यहाँ पर स्त्रियाँ ठीक वैसे ही पहरावे पहन रही थी और फिर भी अगर आप ऐसा कहते हैं कि आप नहीं जानते थे कि आपको अभक्त अधर्मी किस्म के इंसान के साथ रहना नहीं चाहिए था, अगर आप ऐसा कहते हैं कि आप नहीं जानते थे कि किसी उस शख्स से जो उद्धार पाया हुआ नहीं है शादी करना, टेलीविजन देखना और खेलकूद में भाग लेना या ऐसे ही किसी भी कार्यकलाप को करना गलत है, तो आप एक मरे हुए ढोंगी पाखंडी हैं। आपको पसीने की हर एक बूंद का जवाब देना होगा। मेरी हिम्मत आप जैसे वफादार स्त्री और पुरुषों के कारण बढ़ती है जो घंटों घंटों बैठे रहते हैं और जीवन का वचन सुनते हैं। यद्यपि वे इन कामों के गुनाहगार नहीं हैं, फिर भी वे प्रसन्न हैं कि पाप बेनकाब हुए हैं। वे खुश हैं कि सुसमाचार का प्रचार हुआ है। वे खुश हैं कि कोई और इन बातों को सुन रहा है। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो इन बातों को सुन रहे होंगे और अपनी छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। परमेश्वर आपसे जवाब मांगेगा। परमेश्वर पहले ही बहुत सों को उनके मनोभाव के कारण श्रापित कर चुका है, क्योंकि आप उस जैसे पास्टर याजक को सुनते हैं जो आपकी जीवन की ओर अगुवाई करने के लिए खुद अपने को मार डालता है और फिर भी आप वहाँ पर कुढ़ने वाले शैतान और घृणा करने वाली आत्मा और आलोचना करने वाले मुंह को लिए हुए बैठे रहते हैं और अपने प्रचारक दलों की अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने पड़ोसियों से आलोचना कर रहे होते हैं, तो इसके लिए तो आपको पूरी तरह से एक ढोंगी पाखंडी बनना होगा और संभवतः एक यहूदा बनना होगा। यही काम तो यहूदा ने किया था। परमेश्वर के वे लोग जो पहले से ही चुने हुए हैं, उस जैसे चरवाहा से प्रेम करते हैं, वह चरवाहा जो उनके जीवन की ओर अगुवाई करता है, वे उसका सम्मान और आदर करते हैं। जी हाँ, वे उसको अपने सिर माथे पर रखते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि उस चरवाहा को कुछ हो जाए। जी नहीं, क्योंकि उस जैसे चरवाहा को खोना उनके लिए एक बड़े ही दुख की बात होती है। वे तो इधर उधर भटक जाने के डर से परेशान हो उठते हैं। चरवाहे का वध कर दो और भेड़े तितर बितर हो जाएगी। और तुम जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो और फिर भी व्यभिचार और कुमारी गमन करते हो, तुम एक शैतान हो।
तुम जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो और फिर भी ब्लू फिल्म देखते हो, तुम एक शैतान हो। जी हाँ, ऐसा बहुत ज्यादा संभव है कि अधोलोक की संतान उद्धार न पाई हुई किसी स्त्री के साथ चारों ओर भागे फिरे, उद्धार न पाए हुए किसी पुरुष के साथ चारों ओर भागे फिरे। अपने को ऐसा बनने के लिए दुष्टात्मा से ग्रस्त होना पड़ता है। आप तो एक अविश्वासी है और आपने परमेश्वर का वचन कभी सुना ही नहीं है। आप इस संदेश का विश्वास नहीं करते हैं, आप अपने पास्टर का विश्वास नहीं करते हैं। तुम तो उन रॉक एंड रोल संगीत को ही सुन रहे हो जो दिन ब दिन बाहर निकल कर आ रहे हैं। तुम तो पूरी तरह से एक ढोंगी पाखंडी हो। तुम तो अपने पास्टर के मुखमंडल के सामने ही पसर जाते हो, नीचे बैठ जाते हो और नींद निकाल लेते हो। तुम इसलिए नींद से भरे हुए होते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर दुष्टात्मा है। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत लिया जाएगा। वह जो भला करना जानता है और नहीं करता है उसे कई कोड़े लगाए जाएंगे। आपको हिसाब देना होगा। आपने उससे कहीं ज्यादा सत्य सुना है जितना कि सारे संसार भर में किसी व्यक्ति ने कभी सुना हो। और दोस्तों, मैं व्यर्थ में ही कोई शेखी नहीं बगार रहा हूँ। आप मिसालें देख चुके हैं। आप उन भक्त मिसालों को उससे कहीं अधिक देख चुके हैं जो किसी और व्यक्ति ने कभी देखी हो। मेरे अजीजों, आप मसीह और निस्वार्थ भाव का प्रकटीकरण उससे कहीं ज्यादा देख चुके हैं जितना कि सारे संसार भर में किसी व्यक्ति ने कभी देखा हो। और आपको इसके लिए जवाब देना होगा।